तो गाइस स्टमर गाइस का चालू हो चुका है एक नया इवेंट जिसका नाम है मोनोपोली मैडनेस इवेंट, जिसके अंदर हम लोग को टोटल 4000 बैच जमा करना पड़ेगा पूरा इवेंट खत्म करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरा का पूरा इवेंट खत्म कर दूंगा, मतलब मैं अपने पूरे 4000 बैच जमा करना इस इवेंट के अंदर। और सिर्फ है ना मैं जितने मैं जीतूंगा बस आपको वही दिखाऊंगा, हारना एक मैच में दिखाऊंगा नहीं आपको, क्योंकि भाई फिर वीडियो ज्यादा लंबी बनती रहेगी फालतू में। तो आज की वीडियो चालू करते हैं यहाँ पर और देखते भाई मैं कितने मैच जीत पाता हूँ उसके अंदर भी। और अभी आ चुका अपना हनी ड्रॉप पहले मैच के फाइनल राउंड में, देखते भाई मैं जीत पाता हूँ इसके अंदर, एकदम आराम से खेलना पड़ेगा मेरे को। किस तरफ रखा कोने में रखा है, वैसे सभी कोने में ही है यहाँ पर, लेकिन आ जाओ आराम से। और मैं आर पार हो गया वहाँ पर, पता नहीं कैसे शायद गलत टाइम पे कूद गया था मैं। एकदम आराम से भागना है, अभी भागना भागना तो पड़ेगा नहीं, जब लोग भागेंगे तब भागूंगा मैं। और यहाँ पर अब भागना पड़ेगा भाई, लोग भागने लग गए हैं अभी, एकदम आराम से भाई। चलो पीछे की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पे भी प्लेयर है अभी भी, सब लोग गिर जाओ यार, सब लोग गिर जाओ वहाँ से। और गिर चलो, एक जन गिर गया वहाँ पर, वो एंटी डैशर की स्किन वाला है बस। और भाई अगर ये गिर जाएगा मजा आ जाएगा यार, नहीं गिरा ये भी भागने लग गया यहाँ पर। आओ पीछे की तरफ, ईशान नाम है उस प्लेयर का, अच्छा प्लेयर है। और यहाँ पर भाई बच गया, बच गया। अरे भाई नहीं यार, गिर गया यहाँ पर मैं वहाँ पर सोचा बच गया यार, यहाँ पर आके गिर गया मैं। ये मैच तो भाई पक्का हारूंगा अभी मैं, ये मैच तो पक्का हार गया समझो, जीतने का चांस है नहीं मेरे यहाँ पर अभी, बिल्कुल खत्म हो चुका है मेरे जीतने का चांस जो भी था, क्योंकि मैं बहुत गंदा गिरा बीच में। और वहाँ पर अगर लोग सबके सब गिर के नीचे चलेगा ना भाई, तो ही मैं जीत पाऊंगा फिर, मतलब नहीं तो भाई लोग सब जीत जाएंगे फिर। यहाँ पर आ जाओ कोने में से एकदम आराम से। और पंच तो भाई मारने का मन कर रहा है मुझे इसको, लेकिन छोड़ो भाई नहीं मारते, अच्छे से खेल रहे अपने सामने आके। देखो ये अच्छा प्लेयर है यार ये, मेरे को भाई मैं ना पंच मारने का मन करता, लेकिन जब लोग इमोट वो सब कर देते ना अच्छा वाला, तो मेरा मन नहीं करता पंच मारने का। और यहाँ पर भाई वहाँ पर, अरे यार भालू आ गया सामने, भालू अगर सामने नहीं आया होता ना भाई मैं कूद के होता उस तरफ, लेकिन भालू आ गया था अपने सामने। और यहाँ पर भाई चार लोग गिरे हैं, तीन लोग गिरना बाकी है, और एक प्लेयर ऊपर है भाई, हम तीनों नीचे, तो मतलब हम तीनों हार देंगे यहाँ पर, जो ऊपर है वही जीत जाएगा ऐसा लग रहा है मेरे को। लेकिन यहाँ पर इसकी टायर खराब करनी, और गिर गया भाई एंटी डैशर स्किन वाला गिर गया। और यहाँ पर ये भी गिर चुका है अभी, बस वहाँ पर भाई अपना अल्ट्रा गाय बचा हुआ है, उसको भाई गिराना पड़ेगा। और भाई ये अल्ट्रा गाय की जो स्किन है ना, बाद में अनलॉक करूँगा मैं, क्योंकि भाई बीच में एक नया इवेंट भी आने वाला है सुपर हीरो वाला, मतलब सुपर हीरो सुपर टोकन वाला इवेंट, यहाँ पर आ जाओ पहले इसके ऊपर। और भाई मेरा मन तो कर रहा पंच मार दो उसको, लेकिन पीछे कूदना पड़ा, कूद नहीं पाऊंगा अभी, यहाँ पर आराम से जाओ आगे की तरफ। और यहाँ पर चलो जीत गया भाई, पहले मैं जीत गया मैं अपना यहाँ पर। तो यहाँ पर आ चुका है बॉड बैश, अभी दो मैच हारने के बाद भाई इसमें तो भाई पक्का हारूंगा इसके अंदर। बॉड बैश ऐसे मैप है ना भाई जिसमें पक्का हारते ही हारते हैं इसके अंदर, जितनी बार आता है तो इस बार भी हार जाऊंगा, लेकिन भाई खेलना पड़ेगा, देखते भाई कितना लंबा ये मैच चलता है, ज्यादा लंबा ना चला तो अच्छा। और ये पंच मार रहा है यार ये, और पेटी फेंक के मार रहा है एकदम, ये पेटी वाला इमोट है ना अलग नाक में दम करता है भाई इसके अंदर, देखो कैसा फेंक के मारा मेरे को, मतलब दिखा भी नहीं कि कहाँ से लगी, जो फेंक के मारता भाई ऐसा दिखता भी नहीं कि मतलब कौन फेंक के मारे थे, झटके में लगते। और गिर गया, चलो एक प्लेयर गिर गया वहाँ पर, बहुत बुरा गिरा वो, मतलब दो बार गाड़ी मार दी उसको वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर भाई बच के खेलना पड़ेगा मेरे को लोग सबसे, ये लोग तो भाई अलग ही आके दुख देते भाई पंच पंच मार के। और ये भाई यार टॉन्ट मार रहे लोग, तो ये दोनों भाई खेलेंगे एंड तक टॉन्ट मारते हुए, और मुझे खुद को नहीं पता ये पेटी फेंक रहेगा, अच्छा ये पेटी फेंक रहा था यहाँ पर, मैं तो टाइम पास के लिए उसको पंच कर रहा था, लेकिन चलो यही पेटी फेंकने वाला निकल गया। और ये मारना पड़ेगा उसको अभी, एक और मार दूंगा, और लग भी जा रहा है भाई पंच। ये मैच अगर है ना, अगर बॉम्बार्डमेंट जैसे ये को राउंड होता ना भाई, मेरा पंच लगते नहीं उसके मैप के अंदर। यहाँ पर ऐसा है ना भाई, अगर पंच मारेंगे तो बच जाएंगे लोग, मतलब गिर के भी बच जाएंगे, फिर ज्यादा नुकसान नहीं होगा लोग का, तो इसमें लगता है बराबर मेरा पंच। और जो मैप में ऐसे रहता है ना भाई, अगर पंच लगते सामने लगे गेम खत्म हो जाएगा, बस उसमें मेरा पंच लगता ही नहीं उसके अंदर, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर भाई बच के खेलना पड़ेगा, मुझे टकरा गया मैं कोने में आकर, अरे नहीं बच्चा 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 बच्चा, चलो बच गया बच गया एकदम आराम से, अरे बच्चा बच्चा चलो भाई फिर बच गया, फिर बच गया मैं। और अभी तक बस तीनों लोग गिरे यार, और ये दोनों को देखो कैसे टाइम पास कर रहे हैं लोग अपना, टॉन्ट मार मार के तीनों के पास टॉन्ट है भाई, एक चलो एक और गया एक और गया एक और गया, चार लोग गिरे हैं तीन लोग बाकी ये, और एक और गया यहाँ पर भाई, चलो कुकी गाय चलेगा वहाँ पर, कुकी था कि जिंजर बेड गया ऐसा कुछ नाम था उसका, पांच लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, दो लोग गिरना बाकी है बस यहाँ पर, बच्चा बच्चा और चलो भाई जीत गया अपना भाई दूसरा मैच यहाँ पर जीत रहा हूँ भाई, यहाँ बीच में दो मैच हारने के बाद। और अभी यहाँ पर चालू हो चुका लेजर डैश भाई, ये मैच अगर मैं जीता ना तो मेरी दो मैच की स्ट्रीक बनेगी। और यहाँ पर भाई इसमें देखते हैं जीतता हूँ कि हारता हूँ इसके अंदर, इसमें तो भाई हार ही जाऊंगा ऐसा लग रहा है मेरे को, वैसे मेरे को हर मैप में लगता है मैं हार जाऊंगा, लेकिन जो हनी ड्रॉप और ब्लॉक डैश है ना उसमें मेरा चांस रहता है जीतने का थोड़ा बहुत। और किक मार रहा देखो वहाँ पर, और यहाँ पर भाई कहाँ कूद गया मैं, मेरे को बीच से आगे निकलने का था उस तरफ चलेगा पूरा कवर में, लेकिन बच गया यहाँ पर, एक जन यहाँ पर गिरा है अब तक का, और देखते हैं कौन गिरता है, दो लाख दो लोग हो गए एलिमिनेट, वही मैं सोचा किसको जलता है देखा मैंने बीच में, यहाँ पर पंच तो लगता नहीं भाई टाइम पे, मारते कभी लगता है कभी जाकर, यहाँ पर ऊपर हवा मार के। और यहाँ पर अरे यार ब्लॉक तोड़ दिया उसने, मुझे लगा टूटना ब्लॉक है नहीं वो, तो मैं सोचा कूद के पंच मार दूंगा, और यहाँ पर पंच करने लग गए इसको, मारू मेरे को कभी तो सामने आएगा अपने, कभी तो आएगा सामने वो। और गिर गया क्या, अभी गिर गया शायद, गिर गया वो यहाँ पर, चलो भाई गिर गया गिर गया गिर गया, तीन लोग बचे ये लोग, ये तीनों देखते भाई कितना लंबा खेलेंगे ये तीनों, अगर ये तीनों जल्दी एलिमिनेट हो गए तो अपना काम होगा, नहीं तो भाई फिर ये लोग मतलब हार सकता हूँ। और यहाँ पर क्या एक जन दो लोग बचे बस, ये दोनों भाई फटाफट एलिमिनेट हो जाओ, और है ना मैं कोई काम जल्दबाज भी नहीं करूँगा इसके अंदर, एकदम आराम से खेल के ना भाई पहले लोग को जाने दूंगा आगे। और यहाँ पर देखो ब्लॉक तोड़ने दूंगा लोग, यहाँ पर चलो भाई मेरा काम आसान कर दिया लोग ने ब्लॉक तोड़ कर, आगे भागो मैं भाई इस मैप के अंदर, जितना पीछे रहेंगे उतना फायदा रहेगा अपना, और ये लोग तोड़ने दो। और यहाँ पर चलो भाई ब्लॉक तोड़ दिया इसने, अच्छा भाई ने अपने यहाँ पर, और क्या चलो लेजर पिका वो, और ये भी लेजर पिका, और मैं जीत गया अपना भाई तीसरा मैच यहाँ पर जीत रहा हूँ भाई। और यहाँ पर आ चुका भाई अपना नौवा मैच स्टार्ट हो गया भाई, मेरा तीन मैच हार गया बीच में यार, ये भी हारता हूँ इसके अंदर, लेकिन भाई ब्लॉक डैश है ये, ब्लॉक डैश है ना भाई, मतलब तो मेरे जीतने का चांस है इसके अंदर, लेकिन भाई क्या होगा देखते हैं, मुझे खुद को नहीं पता क्या होगा इसके अंदर भी मेरे साथ। यहाँ पर आ जाओ आगे की तरफ एकदम आराम से खेलना बस मुझे,
तीन मैच हारते हुए आ रहा हूँ भाई, चौथा मैच मेरे को हारना नहीं है भाई। पता चला मेरी 10-12 मैच के हारने की स्ट्रीक बन गई फिर। और यहाँ पर भाई, अरे बनाना पिल फेंक के मारा है तो वहाँ पर हंसने वाले मोड दिखा रहे, लेकिन शायद इसने बनाना पिल फेंका था, किसने फेंका था यार मैं ध्यान नहीं दिया। मेरे को लगा इसके अंदर से निकला बनाना पिल, पता नहीं किसने फेंका वहाँ पर। अथर्व 1001 प्लेयर है, प्लेयर का नाम है जो कि अच्छा प्लेयर है भाई खेलने में। शायद ना इसके बाद मैं टूर खेल सकूँ इसके बाद, पता नहीं। हाँ 1205 नाम है इसका, मैं 1001 बोल रहा था यार, 1205 नाम है इसके आगे नंबर है, मतलब इसके नाम के आगे। यहाँ पर आ जाओ आगे की तरफ, पंच मेरा लगा नहीं किसको भी भाई, मैं किसको मार मार भी कैसे सकता हूँ भाई किसको, क्योंकि भाई मेरा पंच लगता नहीं यहाँ पर। मैं दबाऊंगा पहले, लगता बाद में। यहाँ पर भाई मैं गलती से पंच मारा लेता हैकर को, लेकिन यहाँ पर मेरा पंच नहीं लगा। और यहाँ पर अबे 5 लोग बाकी, भी 2 लोग गिर चुके हैं, मतलब 6 लोग बचे, 6 में से अगर 5 लोग गिर गए तो मैं जीत जाऊँगा फिर। और यहाँ पर भाई मुझे जीतना ही है इसके अंदर, मैं हार भाई बहुत हार गया इसके अंदर में, मतलब 3 मैच हारते वारों अब तक। आ जाओ अगली तरफ, और 3 लोग यहाँ पर हो चुके हैं एलिमिनेट एकदम आराम से। और अथर्व यहाँ पर हो चुका है एलिमिनेट, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरे को जीतना है इसके अंदर बस। मेरे को अपने गेम से मतलब भाई, मेरे को जीत कर फटाफट से ना 4000 मैच जमा करना है इसके अंदर, ताकि मेरी फटाक से वीडियो बन के हट जाए। और है ना भाई, यहाँ पर निकल जाओ साइड में, तो तोड़ दिया उसने, चलो तोड़ दिया। यहाँ पर आ जाओ नीचे की तरफ, आउड़ी मार के आगे की तरफ, एक नंबर। चलो भाई ये मैच एक नंबर, चलो जीत गया मैं समझो मैं, क्योंकि भाई बनाना गाय को पड़ा वहाँ पर, बच गया। चलो चलो जीत गया अपने एक और मैच में यहाँ पर। और आप चार लोग अपना भाई एक और ब्लॉक डैश आ चुका है, लेकिन इससे पहले एक मैच हार गया था मैं अपना, मतलब 2 बार लगातार ब्लॉक डैश नहीं आ रहे, इससे पहले एक मैच हारा था मैं अपना, तो उसके बाद ब्लॉक डैश आ रहा है भाई। मुझे ना जीतने की 4-5 मैच की स्ट्रीक बनानी पड़ेगी, ताकि मेरे पॉइंट फटाफट जमा हो इसके अंदर। उसके लिए मेरे को खेलना भी पड़ेगा अच्छे से, जो कि मैं नहीं खेल रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि भाई इतना मैच में हार भी गया, अगर अच्छे से खेल रहा तो नहीं हारता फिर, तो मुझे खेलना पड़ेगा उसके लिए अच्छे से, एंड तक खेलना पड़ेगा। और यहाँ पर है एक नंबर, चलो भाई क्या नाम है इसका, बॉक्सर है नाम इसका, बॉक्सर क्रेज नाम है इसका, अच्छा प्लेयर है भाई। चलो ये भी एक नंबर, चलो भाई अपना जान पहचान का प्लेयर मिल चुका अपने को, जो कि अपने साथ खेल रहा हार्ट इमोट दिखाते हुए अच्छे से। यहाँ पर वो बॉल इमोट दिखा दिया मैंने, क्यों पता नहीं मेरे को हार्ट, मतलब मेरे को थम्सअप दबाने का था, गलती से बॉल इमोट दब गया मेरे हाथ से। और जो इमोट का सेक्शन है ना भाई, लोगों को 6 करना चाहिए इमोट का, मतलब 4 से बढ़ा के, 4 बहुत कम यार, 4 कब सही थे जब अपने पास सिर्फ पंच और हक का इमोट था, मतलब तभी 4 सही थे एकदम। और यहाँ पर मैं पंच से मार दिया गलती से यार, मैंने गलती से पंच मार दिया वहाँ पर यार, मुझे थम्सअप वाला इमोट करने था, सॉरी भाई सॉरी 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 भाई सॉरी, गलती से मेरे से पंच दब गया। और अभी तक कोई एलिमिनेट नहीं हुआ भाई इसके अंदर, अभी तक एक भी प्लेयर इसके अंदर एलिमिनेट हुआ नहीं अब तक। पता नहीं भाई कितना लंबा खेलेंगे ये लोग, ज़्यादा लंबा ना खेल ले बस, थोड़ा थोड़ी देर खेलेंगे तो। और इंडिया नाम का एक प्लेयर है भाई, इंडिया नाम का एक प्लेयर है। और यहाँ पर अरे भाई आ जाओ आगे तो आ जाओ उसके ऊपर एकदम आराम से भाई, बच गया कोने में आकर। आ जाए भाई निकलते हैं कोने से, चुपचाप जितना कोने में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा अपने लिए, कांटे से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा बस। और ये एक दिन यहाँ पर एलिमेट हुआ अब तक अब जाकर। और यहाँ पर अब यहाँ पर ट्रिक मारनी पड़ेगी अभी, रुको यहाँ पर बॉल रिमोट काम हो गया, चलो निकल गया आगे की तरफ। और अब यहाँ पर देखना 2-3 लोग और भी करेंगे, और सब वहाँ पर सब लोग आ गए ऊपर, तो मतलब ये प्रो लोग भी आ चुकी है, इसमें जीतना पड़ेगा अपने को फिर। अच्छे प्लेयर के सामने जीतना अलग मजा आती भाई, मतलब एक तो होता है कि मतलब नई लॉबी आती है सारे नए प्लेयर। और यहाँ पर भाई एकदम आराम से निकल चुका हूँ आगे की तरफ, और गिर गया भाई वो भी बॉक्सर भी गिर गया पीछे, मुझे लगा निकल जाएगा। और यहाँ पर चलो भाई मैं जीत गया अपना एक और मैच, यहाँ पर जीत गया। और अब यहाँ पर सर होगा अपना बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट हो चुका है, अगर मैं इसमें जीता तो भाई मेरी 2 मैच की स्ट्रीक बनेगी, जो कि बनी बनने वाली है नहीं, क्योंकि ये मैप है ना भाई बहुत पनौती मेरे लिए मैप, सीधी बात बता रहा हूँ भाई। मैं जितनी बार ये मैप आया ना भाई, मैं उसमें हार ही हारूँ, हर बार बहुत बार हारूँ, मतलब अभी या तो भाई मेरे ब्लॉक खत्म हो जाती, टाइल खत्म हो जाती, मतलब मेरी मैं या तो मेरा पंच नहीं लगता किसको भी, सबसे आखिरी बात होती है कि मतलब बॉम्ब मार देता है मेरे को फिर, मतलब ये सब चीज़ ख़राब होती है इसमें। और यहाँ पर अरे एक नंबर, चलो गुनिका 07 पता नहीं क्या नाम है इसका, एकदम अच्छा नाम ही होएगा कुछ, आराम से मेरे को खेलना बस, हम सब दिखाते हुए भाई पंच मत मार देना भाई प्लीज़, इसका फ़ायदा उठा के ना भाई, देखना कोई ना कोई आता है पंच मारने के लिए सबका फ़ायदा उठाकर, कि चलो वो हाई हाई लिख रहा है वहाँ पर, आके पंच मार दो उसको। और अगर तुम्हारा नाम ब्लू कलर में है ना भाई, तो समझ जाओ तुम पंच खाओगे सबसे अलग ही भाई, लोग अलग ही दुश्मन निकालते उसके साथ, इसका नाम ब्लू नाम में रहता। और यहाँ पर बच गया वो, मुझे लगा गिर जाएगा लेकिन बच गया वहाँ पर। और यहाँ पर ये गिर चुका है, 2 लोग हो चुके हैं यहाँ पर एलिमिनेट, बस 5 लोग यहाँ पर एलिमिनेट होना बाकी है अभी, एकदम आराम से मेरे को खेलना है एंड तक। यहाँ पर गुस्सा क्यों दिखा रहे भाई स्पीड बॉय, ए स्पीड बॉय भाई गुस्सा कहाँ दिखा रहे हो भाई तुम। और यहाँ पर नाच के दिखा रहा है अभी, अब तो गुस्सा दिखा रहे तो नाच के दिखा रहे, एक काम कर ले कोई। और हाँ लिख के भेज रहा भाई, मेरे को थोड़ा टेंशन डर लग रहा है उससे मेरे को थोड़ा, कहीं मेरे को झटके में पंच ना मारते भाई, वैसे तो इससे भी मेरे को डर ही लग रहा है, अपना जो स्मैश ग्लव की स्किन वाला है इसी में डर लग रहा है मेरे को, कहीं मेरे को पंच ना मारते, बाकी भाई इसकी मर्जी, अभी ये पंच मार सकता है नहीं भी मार सकता है इसकी मर्जी। आ जाओ आगे तरफ बस एकदम आराम से भाई खेलना है मेरे को बस। यहाँ पर आ रहा है देखो भी घूमते हुए इसी तरफ आ रहा है, और नाव भी गोल गोल घूम रही है अपनी, नाव भी भाई गोल घूम रही पूरी, अरे एक ही जगह पंप फेंक दिया भाई उसने तो, एक ही जगह और वो गिर गया भाई, उस तरफ गिर गया वो, पता नहीं कैसे गिर गया लेकिन गिर गया, मैं अभी देखा उसको गिरते हुए। और यहाँ पर भाई भाई यार 3 लोग बचे बस, ये 3 लोग को भाई बम मार के गिरा थे 3 लोग को, अगर इसने भाई 3 लोग को छोड़ के मेरे को बम मारा ना भाई, तो समझ जाओ फिर ये मैप के अलग दुश्मन निकालता मेरे से पक्का, मेरा जानी दुश्मन ये मैप, इसलिए भाई सबको छोड़ के बस मेरे को मारता है ज़्यादातर बार, लेकिन यहाँ पर इस बार भाई इस बार मेरे को जीतना है एंड तक। और यहाँ पर भाई बॉम आ गया टाइल के ऊपर, फ्लोर के ऊपर बॉम आ गया, तो और यहाँ पर भाई मेरे सर पे लगा बॉम आ गया, लेकिन मैं गिरा नहीं क्योंकि मेरे पीछे लोग सब खड़े थे, तो अच्छी बात यहाँ पर मैं लोग का सहारा लेके बच गया यहाँ पर,
जितना भाई सहारे में रहोगे उतना फायदे में रहोगे इसके अंदर। यहाँ पर ये फटा चलो कोने टल गई, मुझे लगा बिचारी जाएगी लेकिन कोने वाली गई, और ऊपर से भाई दो दो बम आ गए ऊपर से, लेकिन एक ही फटा बस। अच्छी बात, एक ही टाइल नजदीक थी, मतलब दो तीन टाइल अपनी जाती तो भाई अपनी वाट लग जाती फिर। और यहाँ पर भाई कुछ ऐसा हो गया लोग गिर जाए और मैं जीता हूँ भाई यहाँ पर। भाई यार प्लीज़ बम आ गया यहाँ पर यार, एक तो वैसे टाइल नहीं बची अपने पास, और ऊपर से भाई एक जन गया यहाँ पर, दो लोग बचे, दो लोग बचे, वो पता नहीं क्यों कूद गया उस तरफ। ये दोनों देखते भाई कितना लंबा खेलेंगे यहाँ पर। गुस्से वाला मोड में दिखा भाई, मैं पंच मार दूंगा फिर, मेरा मन कर रहा भाई पंच मारने का, लेकिन मैं पंच नहीं मारूंगा क्योंकि मैं खेल लिया। मैं अगर भाई अगर मैं स्टार्टिंग से अगर पंच मार रहा होता ना तो यहाँ पर मुझे पंच मारने कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इजी वे ना भाई, इजी वे ना एकदम। लेकिन भाई मेरे को हारना नहीं इसके अंदर, इन लोगों को मार के गिरा था भाई, लोगों को मार के गिरा था यहाँ पर। यार ज़्यादा मैच लंबा हो रहा है फालतू का, थम्सअप दिखाते हुए खेलूंगा लोगों के साथ। अगर बॉम्ब ने दोनों को एक साथ मार दिया भाई क्या मजा आएगी देखने में, लेकिन भाई उन्होंने मारेगा नहीं। और यहाँ पर भाई टॉन्ट मारना चालू कर जैसे ने, अगर बॉम्ब आकर लग भी गया ना इसको तो भाई इतना कुछ फायदा मतलब नुकसान होएगा नहीं इसका, क्योंकि बॉम्ब की वजह से बच जाएगा वो, बॉम्ब की नहीं मतलब इमोट के टॉन्ट की वजह से बचेगा वो। बॉम्ब बच गया भाई टॉन्ट को मैंने, और यहाँ पर आ गया बॉम्ब पीछे, भागो भाई लग गए वाट लग गई अपनी, और यहाँ पर गया ये, और आखिरी प्लेयर बचा भाई, आखिरी प्लेयर बचा भाई यहाँ पर, और मैं जीत गया भाई। चलो मैं जीत गया, इसका इतना लंबा मैच खेलने के बाद यहाँ पर, चलो भाई एक नंबर जीत गया। और अब यहाँ पर आ चुका लेजर ट्रेसर, और अगर मैं इसमें जीता ना तो भाई मेरी तीन मैच की स्ट्रीक बनेगी, देखते हैं बनती है कि नहीं यहाँ पर। यार मैं पहले भी बोल चुका एक दो बार कि तीन मैच की स्ट्रीक देखते बनती है कि नहीं, और नहीं बन पा रही यार मेरी तीन मैच की स्ट्रीक। इससे पहले कब यार, जब मैं चौथा पाँचवा मैच खेला था तब मेरी दो मैच की स्ट्रीक बनी थी शायद तब, और अब जाकर बन रही दो मैच की स्ट्रीक, तो भाई इसमें भी हारूंगा ऐसा लग रहा है मेरे को। हारना नहीं बस भाई मेरे को खेलना है, इंटका हारना नहीं। इसमें किक मारा लेकिन लगी नहीं भाई, क्या क्या ऐसा अजीब लगता है देख के यार, कि किक मारो जगह पे भाई फिसलने की जगह पे गिरता है ये, आगे बढ़ता भी नहीं। और यहाँ पर ये मतलब अपने को बनाना पील हटाना पड़ेगा यहाँ से, तभी अपना गेम हम लोग सुकून में खेल पाएंगे आगे तक का, नहीं तो मैं बनाना पी लेना अलग दुख बन के बैठे रहता अपने सर के ऊपर, और हटता भी नहीं भाई टाइम खत्म होने तक का। इसका टाइमर रखना चाहिए बनाना पील का, कितनी देर में अगर किसी ने पैर रखा तो हट जाएगा वो, अगर नहीं रखा तो अपना भी गायब हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर एकदम आराम से भाई आ जाओ, किक मार के हटाना पड़ेगा इसको शायद यहाँ पर, चलो हटा जाए मैंने किक मार के इसको, नहीं तो भाई आखिर में ना भाई मेरी नाक में दम करता वो इमोट, तो इससे अच्छा भाई पहले साफ कर दो इस इमोट को। और कोई फेंकना मत यार बनाना इमोट इसके ऊपर, ये पूरा मैप इतना सही मैप है, इसके अंदर बनाना इमोट जब आने लगता भाई देख के गुस्सा आता है फिर इसको, कि बनाना इमोट कौन फेंक रहा है बीच में, मतलब फेंकने का फेंको रेस मैप में फेंको, अलग एलिमिनेशन मैप में फेंको, इसके अंदर मत फेंका करो यार। मतलब एक तो भाई ऐसी लेजर जमती नहीं मेरे को, जमती है लेकिन अगर बीच में कुछ पड़े रहेगा भाई फिर खेलने जमेगा नहीं फिर मेरे को, मतलब बनाना फालतू में आ गया बीच में भागते भागते। और पेटी वाला इमोट तो अलग ही भाई अलग ही, एक नंबर, और सब लोग गिर गए भाई, सब लोग गिर गए और जीत गया अपना एक और मैच यहाँ पर, मैं तीन मैच की स्ट्रीक बनी मेरी। और यहाँ पर आगे अपना हनी ड्रॉप देखते हैं, इसमें जीतता हूँ कि हारता हूँ इसके अंदर, इसमें अगर जीत गया ना तो भाई मेरी तीन मैच की स्ट्रीक बनेगी चार मैच की। और यहाँ पर अपना भाई सीसी आ चुका अपने साथ एक, जिसका नाम है शायद स्टम्बलर भाई, उसका नाम क्या कहते हो गोट लिखा हुआ है, और ये रियल प्लेयर ठीक है, रियल है ये, फेक नहीं है, रियल है ये, तो एकदम आराम से खेलना मुझे इसके सामने। देखते भाई मैं जीता हूँ कि वो जीता, और हम दोनों की स्किन भी भाई सेम है यहाँ पर, हम दोनों सेम स्किन लेकर खेल रहे हैं, और किक मार रहा भाई ये तो उसको देना पड़ेगा रुको बाद में। लेकिन यहाँ पर आ भाई इस तरफ टाइल है अपने पास अच्छी खासी, और वहाँ पर भाई लोग भाग रहे उस तरफ, लेकिन कोई बात नहीं यहाँ पर भाई आराम से खेलूंगा मैं। और गिर गया चलो जो नीचे गिरा वो अकेला बचा वहाँ पर, वो भी गिर चुका है नीचे की तरफ, बस यहाँ पर भाई आ जाओ इसके ऊपर, और एकदम आराम से आ जाओ इसके भी ऊपर। और यहाँ पर देखो भाग रहे हैं लोग उस तरफ, लेकिन वहाँ पर भाई मैं पहुँच नहीं सकता हूँ, तो यहाँ पर चलो बीच में आएंगे यहाँ पर भी, एकदम आराम से आ जाओ भाई, नीचे आना पड़ेगा अपने को, नीचे जाना ही पड़ता अपने को, कुछ चांस बचा नहीं था अपने पास, आ जाओ आराम आराम से खेल खेल के, देखते हैं भाई कितना भाई कितना भागेंगे लोग यार, बचा बचा बचा। और यहाँ पर भाई अपने पास टाइल बच गया बहुत सारा, मतलब बहुत सारे टाइल यहाँ पर बचे अपने पास, और लोग सब लोग नीचे गिर गए, सब लोग नीचे गिर गए, बस यहाँ पर है ना भाई एक जन यहाँ पर एलिमिनेट हुआ है, तो मतलब दबा के लोग टाइल यूज़ करेंगे भागते भागते। और मुझे देखना पड़ेगा कौन सी टाइल अपने लिए सही रहेगी, तो उसी तरफ कूदूंगा मैं फिर, ज़्यादा इधर उधर कूदूंगा नहीं, एकदम आराम से बस खेलना मुझे यहाँ पर कूद कूद के। और उन लोग के शायद मेरे को बीच में कूदना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पर मेरे को फायदा नजर आ रहा है थोड़ा, वो लोग सबके जब उस तरफ है। और यहाँ पर एक और गिरा, तीन लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, बस यहाँ पर तीन लोग गिर चुके हैं, यहाँ पर आ जाओ उसके ऊपर, और कूदना पड़ेगा अपने आगे की तरफ, और सब लोग गिर गए, सब लोग गिर गए, सब लोग गिर गए यहाँ पर, और मैं जीत गया अपने एक और मैच। और भाई अब जाकर मेरी चार मैच की स्ट्रीक बनी इसके अंदर यहाँ पर, तो अब यहाँ पर चालू होगा अपना भाई लेजर ट्रेसर, और भाई नौ मैच हारते वारो यहाँ पर, मैं ये भी मैच हार जाऊंगा अभी तक ऐसा लग रहा है मेरे को, क्योंकि भाई नौ मैच हार गया पिछले मैं, दसवां भी हार जाऊंगा क्या हो जाएगा फिर अपना देखते, लेकिन हारता हूँ जीतता हूँ यहाँ पर, खेलना पड़ेगा अपने अच्छे से जीतने के लिए। और बनाना पील फेंक रहा है वो, टकरा भी गया बनाना पील के ऊपर में, लेकिन अच्छी बात है पिछलते आगे तक नहीं है, और किक मार रहा भाई, तो इसको मारना पड़ेगा रुको, किक मारी फालतू का, किक मार रहा हूँ वहाँ पर, आके हीरो बन रहा है यहाँ पर, हीरो की स्किन लेके, ज़्यादा हीरो बन रहा भाई, हीरो की स्किन देना पड़ेगा रुक उसको यहाँ पर, इसको भाई किक मार दूँगा यहाँ पर, और लगी नहीं भाई किक नहीं लगी, अगर मैं कूदा होता ना भाई ये हड्डी हट यार सामने से, हड्डी तो लगी गेम खेल रहा अपनी फालतू के यहाँ पर, बच्चे चलो बच गया बच गया बच गया उसको वहाँ पर, मैं फालतू में किक मारने घुसा उसके वहाँ पर, अगर मैं भाई लेजर को टच कर रहा था हल्का से भी तो मैं एलिमिनेट हो गया रहता अब तक का, लेकिन भाई मैं बच गया वहाँ पर थोड़े से बच गया एकदम, अच्छी बात है मेरी किक ज़्यादा देर तक पिछला नहीं, मैं किक लेकर अपनी। और यहाँ पर अब किक मारनी ही पड़ेगी यहाँ पर, कहाँ पे गई वो, कहाँ पे गई है भाई, कहाँ पे गया वो, अबे एलिमिनेट हो गया क्या, अच्छा उधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, मैं फालतू नीचे ढूंढ रहा था उसको। और यहाँ पर अब हो चुका एलिमिनेट वो, और अब बस ये चार लोग बचे यहाँ पर, इन चारों में से भाई मेरे को ये हट इसको मारना बस, कैप्टन गोल्डन हार्ट को, इसका ना भाई इमोट फेंक रहा है देखो, इसका इमोट पता नहीं कैसे आर पर हो गया था पहले बीच में, मतलब एक बार इससे पहले मतलब आर पर हो गया था जमीन को। और यहाँ पर चार लोग गिर चुके थे, इन लोग गिरना बाकी है बस,
और ये तीनों देखते हैं कितना लंबा खेलेंगे भाई। ये तीनों पंच किक मार दिया मैंने इसको भाई, पंच मारना था यार, पंच मारना था वहाँ पर लेकिन पंच लगा नहीं। यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर यार हट गया, आया नहीं सामने, वो सामने आया नहीं भाई मेरे फालतू का। यहाँ पर भाई पेटी फेंक के गेम ख़राब कर रहा बस। और पेटी की एक बात अच्छी है ना, वो गायब हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, बनाना ही मोड तो भाई गायब होता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए वहीं पर आ गया, वो चिपक के रहेगा हमेशा के लिए। और यहाँ पर ये भी गया और अकेला प्लेयर बचा भाई, ये एकदम आराम से भाई विश प्लेस, ठीक है मेरे को मारना हो, ठीक है हम दोनों ने बहुत लड़ाई करी बीच में, बस यहाँ पर सब लोग हो गए एलिमिनेट। अब हम दोनों साथ में खेलेंगे चुपचाप सुकून में, और देखते हैं भाई कौन जीतता है इसके अंदर हम दोनों में से। यहाँ पर आ जाओ आगे की तरफ भाई, वो पीछे की तरफ जा चुका है, उसकी मर्जी कहीं भी जाए वो, बस यहाँ पर अगर एलिमिनेट हो जाएगा ना भाई बहुत मजा आएगी फिर, मतलब मैं जीत जाऊँगा अपना 9 मैच हारने के बाद, एक मैच जीतूंगा अपना मैं, हारना नहीं भाई हारना नहीं इसके अंदर, हारना नहीं। यहाँ पर बच गए आ जाओ साइड में, और यहाँ पर एकदम आराम से भाई थोड़े थोड़े गैप पे कूद रहा हूँ मैं, फालतू का इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ मैं कूद कूद के छोटे छोटे ब्लॉक के ऊपर, मतलब छोटे छोटे गैप के ऊपर, जो कि मुझे करना नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर जहाँ पर लंबा गैप दिखेगा वहीं पर कूदना चाहिए मेरे को। और यहाँ पर भाई कितना, और यहाँ पर हार के चलो मैं जीत गया अपना भाई 9 मैच हारने वाली स्ट्रीक टूटी मेरी जाकर यार अभी। और अब यहाँ पर आ चुका अपना ब्लॉक डैश, तो भाई याद है अगर मैं जीता तो मेरी यहाँ पर 2 मैच की स्ट्रीक बनेगी वापस से, और इससे भाई तीसरी बार 2 मैच की स्ट्रीक बना ली मेरी इसके अंदर भी, देखते बनती है कि नहीं। यहाँ पर खेलना पड़ेगा उसके लिए अच्छे से अपने को, यहाँ पर आर पार होता है कि नहीं है, और आर पार नहीं हो रही है, इन लोगों ने शायद ना आर पार होने वाला बग फिक्स करे, पता नहीं करेगी नहीं करे, क्योंकि भाई पिछली बार ये मतलब इससे पहले जो ये मैप आया था सेम वाला, उसके अंदर एक प्लेयर मेरे को देखा था किक मारते हुए आर पार होते हुए मैं देखा था उसको, तो इन लोगों ने भाई फिक्स नहीं करा आर पार होने वाला बग भी, और जिसको लोग तो भाई इसको तो लोग ट्रिक बना के बेच रहे भाई कि ट्रेवर वहाँ यहाँ पर आर पार हो गया, और लोग ने ना आर पार होने वाले बग को ऐसा दिखा दिया कि ना वो बग नहीं है तुम्हारी स्किल है वो, ऐसा बना के दिखा दिए, और पब्लिक को भाई पब्लिक को क्यों पता नहीं भरोसा हो लोग की बात के ऊपर। उन लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड तक किए थे वीडियो के ऊपर कि भाई मतलब ब्लॉक डैश ट्रिप ट्रिक ऐसा करके कुछ वीडियो बनाए थे उन लोग ने, और स्किल नाम रखे थे नीचे, स्किल लिख के रखे थे कि स्किल है इसके पास, वो आर पार हो गया जा रहा भाई कूद कूद के, मतलब आर पार हो रहे हैं लोग चुपचाप देख के भाई, पूरा बग को एक्सप्लोर कर रहे गेम के लोग, और गेम वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं भाई, ताली बजा रहे लोग के लिए कि देखो भाई इसके लिए गेम की, तो मतलब मैं समझ गया वो टाइम पे कि लोगों को भाई कुछ आता ही नहीं फिक्स वो सब करने, लोग बहुत जान पे लेके इसलिए फिक्स करते हैं अपनी जान पे लेकर कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा करना पड़ेगा, जब ज़्यादा मुश्किल आती तब करते हैं लोग, जैसे कि अभी भाई लोगों का इमोट नहीं काम करना रहा बग, इतना बेकार बग है वो, अभी तक चल रहा भाई अपडेट आते जा रहे वो इमोट फिक्स नहीं हो रहा वाला, तो हो सकता है भाई 3-4 महीने में अगले फिक्स हो जाए वो अगर अच्छा बच्चा रहा तो, वरना भाई भूल जाओ वो इमोट का भी फिक्स होएगा कि नहीं होएगा। और यहाँ पर आओ तोड़ के इसको आगे की तरफ, 3 लोग गिरे हैं 4 लोग गिरना बाकी है भाई, तुम लोग जाओ उसके ऊपर से, मेरे को उतने एरिए पे भाई बिल्कुल भरोसा नहीं है मेरे को उतने एरिए पे, इसलिए मैं जाता भी नहीं उसके ऊपर से, क्योंकि ना भाई वो काम नहीं करता ना अगर ब्लॉक तो भाई नीचे गिर जाते सीधा अपन। और यहाँ पर डायनासोर अटक चुका है नीचे, 5 लोग यहाँ पर गिर चुके हैं, 2 लोग बाकी, वो लोग भाई दोनों गिर जाओ भाई जल्दी, और यहाँ पर गिर गए दोनों और जीत गया चलो अपना भाई 2 मैच के स्टेक बन गए मेरे वापस से। और अब यहाँ पर भाई आ चुका है ड्रॉप, भाई मैं रिकॉर्डिंग बंद रखा था यार, रिकॉर्डिंग चालू नहीं करा था मैंने, अब जाकर चालू कराओ फटाफट से एकदम आराम से भाई, देखते हैं इसमें जीतता हूँ कि हारता हूँ, बस मेरे को भाई जीतना है इसके अंदर, तो मेरी 3 मैच के यहाँ पर स्ट्रीक बन जाएगी, फिर भागना पड़ेगा मेरे को लोग के आगे उसके लिए। और सामने से भाग और यहाँ पर आ गया इसके ऊपर, और यहाँ पर भाई चलो आ गया इसके भी ऊपर, और एकदम आराम से लो भाई इसके ऊपर भी आ गया, एक एक टाइल यूज़ करूँगा यहाँ पर, यार क्या गंदा गिरा भाई मैं यहाँ पर यार, वो पेड़ वाला एरिया ना बहुत बेकार लगता है मेरे को, ये पेड़ लगे रहता है ना बीच में, उस पर टकरा कर पिछड़ता भाई अपना प्लेयर, उस पर हल्का झटका लेकर वो फालतू में पिछड़ता है वो, उस पर ऐसा हटना नहीं चाहिए लेकिन। और यहाँ पर ये देखो पांडा को देखो भाई, पांडा जेड़ छाने पांडा को देखो पीछे भाई, पीछे उसके लिए वो टाइल रखी हुई है वहाँ पर, ये भी कूद के आ गया मेरे मुंह के सामने भाई, क्या उसके पता नहीं। और यहाँ पर ये पंच कर रही भाई, ये तो इसको गिराना पड़ेगा, रुको गिराना पड़ेगा उसको, यहाँ पर सामने आते ना भाई मैं किक विक मार दूंगा उसको, देखूंगा नहीं कौन है, सीधा पंच किक लगेगा उसके मुंह के ऊपर। और अच्छी बात यहाँ पर कोई आया नहीं है, एक नंबर भाई, चलो अपने पास टाइल टाइल बची हुई इस तरफ, बस यहाँ पर है ना मेरे को एकदम ध्यान लगाकर एक एक टाइल यूज़ करना है यहाँ पर, मेरे को एकदम ध्यान देते हुए टाइल यूज़ करना है मेरे को यहाँ पर, आ जाओ उसके ऊपर, पीछे जाऊंगा नहीं क्योंकि खतरा बढ़ जाएगा भाई पीछे जाते ही। और यहाँ पर 5 लोग गिर चुके हैं, बस 2 लोग यहाँ पर गिरना बाकी है, और किधर से देखो इधर ही से आ रही है, और 6 लोग गिर गए, चलो 6 लोग गिर गए अकेला बाकी है, देखते भाई कितना लंबा खेलता है, इसको तो किक मार दूंगा अभी मैं, इसको ना पंच है तो किक मारूंगा यहाँ पर बीच में, या तो पंच ज़्यादा फायदेमंद रहेगा भाई, पंच मारेंगे ज़्यादा फायदा होगा अपने को। यहाँ पर ये आ रहा है भाई, मार दो भाई, अरे भाई किक लगी पंच मारना था लेकिन यहाँ पर बच गया वो, फिर भी बच गया यहाँ पर यार, ऐसे नहीं भाई बच जाओ, और गिर गया भाई, गिर गया एक नंबर गिर गया वहाँ पर वो, और मैच जीता चलो अपने को, और यहाँ पर मैच जीता, 3 मैच के मेरी स्ट्रीक बन गई यहाँ पर। तो भाई अभी मेरे पास यहाँ पर टोटल 4080 बैच जमा हो चुके इस इवेंट के अंदर, और भाई जो अपना आखिरी मैच मैं जीता था 100 ड्रॉप में, उसके बाद है ना मैंने बहुत सारे मैच सिर्फ जानबूझ के हारा, मतलब जानबूझ के मैं 3rd राउंड में पहुंच के हार जा रहा था, क्योंकि भाई मुझे फटाफट से इसमें सब सारे बैच जमा करने थे, और हारने की वजह से मुझे हर मैच के अंदर 50-50 बैच मिलते थे, तो अब मेरे पास यहाँ पर 4080 बैच जमा हो गए इसके अंदर। और अब यहाँ पर बारी आती है अपने को मनी टोकन क्लेम करने की, और अभी ना मेरे पास पहले से कुछ 150 मनी टोकन थे पहले से, और इसमें ना भाई मुझे पता नहीं कितने मिलेंगे, और मैंने गिना भी नहीं, तो यहाँ पर भाई क्लेम करते हैं उसको फटाक से। और साथ ही में एक स्किन भी मिल रही है, जो कि भाई मुझे अच्छी भी नहीं लग रही, वो स्किन एकदम नॉर्मल लग रही है स्किन, और साथ में ये इवेंट भी चालू, साथ में इसको मैं खेलूंगा नहीं, ठीक है अगर खेल लिया ना इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि फालतू इवेंट है ये। तो यहाँ पर आज के वीडियो को खत्म करते हुए इसके आज के वजह से, अगर आपको आज के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अब आपको मेरी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय।